कॉल गर्ल को, कॉल गर्ल का सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको सब यूज़ कर सकते हैं, और कॉल गर्ल के नसीब में बहन बनना तो होता ही नहीं है। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है रानी के ऊपर। रानी वही लड़की है जिसको हमने कॉल गर्ल एजेंसी से बुलाया था और जो किसी मजबूरी की वजह से इस कॉल गर्ल के प्रोफेशन में फंस गई थी। तो मैंने उसे वादा किया था, उसे भी और आप सभी को भी, कि अगले हफ्ते मैं इसी जगह पे उसे ऑफ़र लेटर दूंगी। तो आज उसका ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में है। ऑब्वियसली मैं कंपनी वगैरह नहीं शेयर कर सकती क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। जिसने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। वैसे मैंने सोचा था कि उसे जब ऑफ़र लेटर दूंगी तो इतनी आसानी से नहीं दूंगी, कुछ प्रैंक और मस्ती करती हूँ उसके साथ। तो आई तो मैं उसी इरादे से थी, लेकिन कुछ इतना इमोशनल हो गया और कुछ ऐसा हुआ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सो सस्पेंस नहीं खोलते, मैं आपको सीधा वीडियो में लेके चलती हूँ और सीधा वीडियो में मिलते हैं। तो रानी को वैसे मैंने बुला तो लिया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो देखो कहाँ रह गई, कितनी देर में आ रही है, एक बार कॉल कर लूँ उसे। हेलो हेलो रानी, कहाँ रह गए यार? मैं तो टाइम से निकल गई थी यार, ट्रैफिक में माँ मेरे एक कर रखे साला, ट्रैफिक बहुत हो रखा है, मैं आती हूँ। चल आ जा, मैं उधर ही बैठी हूँ, ठीक है, बेंच के पास। ठीक, जल्दी आ जा, ठीक है, चल बाय। A few moments later, तो वो उधर उसमें आ गई है, राइट में है, देख जरा रेड ड्रेस में आई है। आ गई मैडम आप, बहुत जल्दी आई। अपन घर से टाइम से ही निकल गया था, लेकिन क्या करूँ, ट्रैफिक ने माँ बहने कर दी थी। उफ लैंग्वेज यार तेरी, गालियाँ कम दिया कर बेटा। वो अपन ना मतलब ऐसे ऐसे लोगों के आसपास रहता है ना, तो आदत से हो गई, अपन ऐसे बोलता है, कोशिश करूँगी ना बोलूँ। चल कोई नहीं, और घर पे सब ठीक है, सब बढ़िया? हाँ जी। और इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था, ओ सर ने बोला था कि डॉक्यूमेंट मनीषा से ले लेना। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको वादा किया था जॉब के लिए कि हम अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त मिलेंगे, तो ये रहा आपका ऑफर लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब लग चुकी है। तो ये कॉल गर्ल वाले गंदे धंधे से अब आप निकल लें। अरे सच में आ गए, मुझे तो ज़िंदगी में किसी में भरोसा ही नहीं था, अपन को लगा कि तू भी अपन को गोली दी जाएगी, लेकिन तूने, थैंक यू यार। अरे वादा किया था तो यार निभाना तो था, झूठ थोड़ी बोला था। तो ये तेरा, मैं बता देती हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने हैं, उसमें है ये, इसकी सेकंड कॉपी है, चेक कर लें। तो ये तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड और ये सब सबमिट करने हैं, और ये फाइनल स्ट्रक्चर है, CTC और टेक होम। अरे तुम फिर लग गए इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गई थी, तेरे को दिक्कत है इससे, सॉरी। अरे बच्चा, मुझे दिक्कत तो है ही है, बट ये बहुत तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इससे आगे जाके आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी गंदी आदतें छोड़ रही हो तो इसे भी छोड़ो। हाँ जी, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा बेटा, ठीक है, छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। और ज्वाइनिंग तेरी है मंडे से, तूने मंडे से ज्वाइनिंग ली है? हाँ, तू आई उस दिन? नहीं, मैं तो वेडनेसडे से आ रही हूँ यार, मंडे को रक्षाबंधन है ना, तो मैं तो भाई उधर हूँगी राखी पे। तो बट तूने मंडे से क्यों ली, उसे बताया नहीं था क्या? मैं, इसमें दो ऑप्शन थे ना, इस मंडे और नेक्स्ट मंडे, तो तेरी नेक्स्ट मंडे से करा दूँ ज्वाइनिंग? नहीं नहीं, इसी मंडे से करूँगी मैं। अरे राखी नहीं बनानी, रक्षाबंधन बहनों के लिए इससे बड़ा त्यौहार क्या होता है? अपन का कोई भाई भाई नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी मंडे से कर लूँ, अपन क्या बनाएगा रक्षाबंधन भी। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तेरा भाई नहीं है। कोई नहीं, डरता वैसे तो चलो होते हैं और के, मतलब भाई सबके नहीं होते, बट वैसे कोई मुंह बोला भाई, कज़न कोई नहीं है? क्या मजाक कर यार तू, तेरे को लगता है कि कॉल गर्ल को कोई बहन बनाना पसंद करता है? हाँ, और अपन ने कोशिश करी थी कि एक दो बंदे में कि हाँ मैं अपन में भाई बना सकूँ उसे, लेकिन सालों उन लोगों ने भी धोखा दे दिया बहन बोलकर। वैसे अपन ने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो सीख ली कि कॉल गर्ल का सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको सब यूज़ कर सकते हैं, और कॉल गर्ल के नसीब में बहन बनना तो होता ही नहीं है। अगर अपन का कोई भाई होता
तो इस गंदगी रास्ते में जाने देता नहीं अपन को। बट क्या करें ना, कि अपन का बचपन से ही किस्मत ख़राब है। तो वैसे करती क्या है रक्षाबंधन के दिन? हाँ, अपन की उस दिन छुट्टी रहती है, क्योंकि सारे क्लाइंट, वो सारे भड़वे लोग अपने बहन बहनों को राखी बनवाने के लिए जाते हैं, तो हमारी तो छुट्टी रहती है, हम ले जाते हैं बस ऐसे घर पे। अच्छा यार, मुझे बहुत बुरा लगा ये भी सुन के। वैसे अच्छा एक बात बता, मेरे पे भरोसा करती है? देख, जिंदगी में मैंने बहुत धोखे खाए हैं, अब किस में भरोसा करूँ किस में नहीं ये पता नहीं, लेकिन मन में लगता है कि हाँ मैं तुझमें भरोसा कर सकती हूँ। तू भरोसेमंद लायक है, इतना सब कुछ कर लिया तो हाँ तेरे पे भरोसा है मेरे को। तो अगर मैं तुझे एक ऐसे शख्स से मिलाऊँ जो तुझे बिल्कुल इज्जत भरी निगाहों से देखे, बिल्कुल अपनी बहन की तरह रखे और सगे भाई से भी ज़्यादा तुझे प्यार करे, तेरी इज्जत करे, तेरी रक्षा करे, तो तू भरोसा करेगी? काश कोई होता ऐसा ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप कह रही हो तो। रुक जा, मैं एक सेकेंड। थैंक यू। अरे कोई नहीं यार, मेरे छोटी बहन जैसी है तू। हेलो। हेलो, हाँ अंकित, आप कहाँ हो? मैं घर पे। अच्छा, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, फ्री हूँ, बताओ। अच्छा, वो जो कोने वाला जो पार्क है गेट नंबर 2 के पास, आप वहाँ आ जाओगे अभी? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। अच्छा, और वो गाड़ी की बैक सीट में ना कुछ सामान पड़ा है, वो भी ले आना। ठीक है। और हाँ, ये गाली वाली जरा ऑफिस में मत देना, पता लगा मेरे भी नौकरी कहेंगे किसको रेफर करके लाए हो। अरे नहीं यार। ठीक है, तो ये आज से आपकी नई लाइफ स्टार्ट है। ठीक है, तो ये जो भी है, सिगरेट हो गया, गाली होगा, जितने भी गंदी आदतें हैं सब छोड़ देनी है, है ना? और नई लाइफ शुरू हुई है, अपना कॉल गर्ल वाला सब छोड़ के और आज से नई लाइफ शुरू। ठीक है, अरे आ गए। तो रानी, ये है मेरे भाई, आजा भाई इधर आजा। हेलो, आजा बैठ जा। हेलो। तो रानी, ये है वो सर जिनकी मैं बात कर रही थी, ये है मेरे सगे भाई अंकित। हेलो भैया। हेलो, हेलो बहन। तो देख, तूने मुझे बताया कि तूने बहुत धोखे खाए हैं, तो इसलिए किसी थर्ड पर्सन से तो मैं भी तुझे नहीं मिलाना चाहती थी और भाई बनाना चाहती थी, तो इसीलिए मैं खुद के सगे भाई को लाई हूँ, क्योंकि इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, ये तुझे बिल्कुल बहन की तरह इज्जत देगा और शायद तेरे सगे भाई से भी ज़्यादा तुझे प्यार, इज्जत और तेरी रक्षा सब करेगा। कितना करोगे यार तुम मेरे लिए? अरे कोई नहीं यार, इतना तो बनता है। वैसे आज से हम भाई बहन? हाँ बिल्कुल, छोटी बहन कैसी बातें कर रही है? अरे अरे ऐसे नहीं, इतना बड़ा रिश्ता है, भाई बहन बोल रहे हो तो ऐसे ही दौड़ना हो जाएगा, प्रॉपर राखी बांधेंगे। लाएगा ना, बोला था। हाँ हाँ, सामान लाएगा। ये लीजिए रानी, आपकी पहली राखी, और बांधिए इन्हें। इसको बांधने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे मेरे को मनीषा ने बताया है। फिर भी आप मुझ जैसी लड़की को बहन बनाना चाह रहे थे? अरे बहन, अगर तो उस काम में भी होती तो भी मैं तेरे को अपनी छोटी बहन ही मानता। भैया हाथ दिखाओ। और यार खाने में तो हमारे पास मिठाई तो इस समय है नहीं, पर ये कुछ चॉकलेट पड़ी है मेरी। ले यार, मिठाई तो है नहीं तो यही चॉकलेट ही खिला दे, तुम भी खिलाओ बहन को। चलो भैया, आज से तुम्हारा भाई है और रक्षाबंधन में घर ही आ जाइयो, ठीक है? भैया मेरे गिफ्ट का है। अरे वो मनीषा ने जल्दी बाजी में बुलाया तो मैं लेके नहीं आया। अरे मैं मजाक कर रही थी, और वैसे भी आपने मुझ जैसी लड़की को अपनी बहन बना लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अरे कैसी बात करी, छोटी बहन है तू मेरी आज से। ये ले जरा गिफ्ट। ये सब क्या घर से प्लान करके आए थे क्या? अरे नहीं, वो हम राखी के लिए गए थे तो ये सब गिफ्ट और राखी मनीषा की ही थी। फिर तो ये नहीं लगे क्या? अरे कोई नहीं, नहीं 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 यार, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। यार देख, मुझे तो हर राखी पे तोहफे मिलते हैं, बट ये तेरी पहली राखी है और पहला रिश्ता है, तो ये जो फेले ज़्यादा बनता है, तो प्लीज़ राखी से। थैंक यू, बहुत प्यार से लाया ये। अच्छा खोल तो ले, इमोशनल मत हो, खोल के देख क्या है। ओ वाह,
तो रोने लगी। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर रो क्यों रही है बहन, क्या हुआ? बहुत अच्छा गिफ्ट है यार, थैंक यू। जिंदगी में किसी ने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो रो क्यों रही है रानी, क्या हुआ? यार जिंदगी में मतलब कई लोगों ने जितने लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो सब जिस्म दिखाने के लिए दिया है, और आपने जो गिफ्ट दिया है वो जिस्म ढकने के लिए, तो मेरे को थोड़ा अरे रो मत बहन। अरे रानी रो मत यार। ये देख इसको चेहरे के सारा मेकअप उतर गया। ये देखो मेरी चुड़ैल बहन बन गई है। तो अब इतना काजल सब बह रहा है, देखना जरा। यार यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है? हाँ यही सामने राइट में जाके है, तो इसको थोड़ा धो के आजा। कैसी लग रही है? अजीब सी कैसी आई थी और क्या बन गया? चल मैं वॉशरूम में जा इसको। हाँ वहाँ पे पानी वहीं साइड में होगा। हाँ जी। अरे मैंने तेरे गिफ्ट तो उसे दे दिया, तो अब तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए तू तो बता दे। कोई तो गिफ्ट लूंगी, अच्छा सा गिफ्ट लूंगी तुमसे तो मैं। अरे ओ तेरी, उसे देख रहा जरा। अरे वाह मेरी बहन तो बड़ी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में, तुम पहन के आ गई? हाँ भैया ने गिफ्ट करा तो मैं एक बार पहन के नहीं दिखाऊं कि कैसे लग रही है। बहन आज के बाद ना इसी ड्रेस में मिलियो मेरे से जब भी मिले। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू भैया। यार सच में इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं तो बता नहीं सकती। थैंक यू। वैसे मनीषा आप थैंक यू कहना चाहती हूँ आपसे कि आपने मेरी जॉब भी लगवा दी और एक अच्छा भैया भी दिया, और ये मतलब इन गंदे रास्तों से उठा के आपने मेरे को इतने अच्छे रास्ते में दिखाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आपसे। और भैया आपको भी, आपने मुझे अपनाया। अरे कोई नहीं मेरी छोटी बहन है तू। अरे कोई नहीं यार, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। और चल अब इतना ही हो गया है, तो फैमिली में तो तू आएगी है, तो आप फैमिली से मिलाते हैं एक बार घर। चल ठीक है, तुझे ये अंकित ही ड्रॉप कराएगा, हम शाम को हम दोनों साथ में ड्रॉप कराएंगे। आ जाओ चलो घर। चल पकड़ इस भारी बैग को।